जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर विपक्ष में फूट साफ दिखाई दे रही है। बीएसपी चीफ मायावती ने इस मुद्दे पर जहां केंद्र को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के कश्मीर दौरे पर सवाल उठाए, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के फैसले की फिर आलोचना की है। अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज जो कश्मीरियों के साथ हुआ है वह कल हम सबके साथ हो सकता है। राजधानी लखनऊ में अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 370 से जुड़े एक सवाल पर कहा, आज 20 दिन हो गए हैं, लोग घरों में कैद हैं, पत्रकार हमें बताएं कि आखिर वहां क्या हो रहा है, सरकार का इतना ही अच्छा फैसला था तो इससे लेने से पहले लोगों से क्यों नहीं पूछा गया। कश्मीर के हालात पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा बीजेपी के घोषणा पत्र में था, क्या इसे हटाने को लेकर वहां के लोगों में खुशी है? जो उन्होंने सड़कों पर मनाई, जो उनके साथ हुआ है वह कल हमारे आपके साथ भी होगा। बता दें कि अखिलेश ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के औचित्य पर लोकसभा में भी सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी ओर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन किया है, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं के कश्मीर दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बिना अनुमति के जम्मू एवं कश्मीर जाकर केंद्र सरकार और प्रदेश के राज्यपाल को राजनीति करने का मौका दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य के हालात अभी ठीक नहीं है, ऐसे में हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कश्मीर दौरा करना राज्यपाल और केंद्र को राजनीति करने का मौका देने जैसा है। वहां की यात्रा पर जाने से पहले थोड़ा विचार विमर्श किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के उपरांत 370 को रद्द किया गया है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा, सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा से ही देश की समानता, एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के द्वारा विशेष प्रावधान दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। मायावती ने कहा कि इसी वजह से बसपा ने संसद में इसे रद्द किए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का भी यही मानना है कि ऐसी परिस्थिति में थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर होगा।